हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 3। एपिसोड की शुरुआत में तीन लोग इनके घर की तरफ आते हैं। ये लोग इधर उधर भागते हैं और गाड़ियों की चाबियों को ढूंढते हैं। कैरोल भी मेलिसा को उन लोगों के बारे में बताकर उसको आजाद करती है। टोड को पता चलता है कि चाबियां तो घर के अंदर ही वह भूल गया है। बाद में ये सभी लोग घर के अंदर चाबियों को ढूंढते हैं, तभी वहीं पर कैरोल आती है। कैरोल बताती है कि वो लोग अंदर आ चुके हैं। तब सभी लोग वहीं पर छुप जाते हैं। तभी घर के अंदर तीन लोग बंदूकों के साथ आते हैं और घर की तलाशी लेना शुरू करते हैं। उधर टोड को भी चाबी दिख जाती है। टोड जैसे ही चाबी को लेने वाला होता है, पैड उन्हें डरा देता है और ये सभी अपने हथियारों को एक दूसरे को दिखाकर डराने लगते हैं। यहाँ पर सभी चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तभी वहीं पर मेलिसा आती है और इन तीनों को अपनी बंदूकें नीचे रखने के लिए बोलती है। लेकिन मेलिसा जल्दी से एक आदमी को गोली मार देती है, जिसकी वहीं पर मौत हो जाती है। डर कर ये दोनों भी अपनी बंदूकें नीचे रख देते हैं। अगले सीन में सभी इस मरे हुए आदमी को अंतिम विदाई देते हैं। टोड इसके लिए एक गाना भी गाता है। शोक मनाकर सभी लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं। पैडिन सभी को बताता है कि जब से यह महामारी शुरू हुई है, वह समुद्र के अंदर ही रहता था। साथ ही वह बताता है कि वह हमेशा अपने सूट में रहता है। पैड को यकीन नहीं होता कि ये सब कैसे मिले हैं। तब कैरोल बताती है कि यह सब टैंडी ने शुरुआत किया है। पैड भी टैंडी से बोलता है कि क्या हम दोनों भी उनके साथ रह सकते हैं। कैरोल बोलती है कि इस बात का फैसला हम मिलकर करेंगे। इनमें से कुछ लोग इनको पसंद नहीं करते, लेकिन टैंडी बोलता है कि हम भी शुरू में ऐसे ही थे, लेकिन एक दूसरे को धीरे धीरे समझने लगे हैं। इसलिए टैंडी उन दोनों को बोल देता है कि वह भी उनके साथ रह सकते हैं। टैंडी भी पैट को उसका नया कमरा दिखाता है। पैट को यह कमरा पसंद आता है। टैंडी भी अपने कमरे में आता है। टैंडी को पता चलता है कि कैरोल ने उसके लिए आईब्रो बनाई है। कैरोल टैंडी को आईब्रो लगाने के लिए बोलती है। फिर टैंडी इन आईब्रो को लगाता है और कैरोल को दिखाता है। सुबह पैट एरिका और गैल के पास जाता है, जहाँ पर टोड भी होता है। पैट गैल और एरिका से पूछता है कि वह अपनी जींस पर कैसे डिजाइन चाहती हैं, लेकिन ये सभी उसे देखते रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। तभी वहीं पर टैंडी आता है। तभी एरिका टैंडी की आईब्रो को अजीब समझती है। तो पैड भी इस चीज से गुस्सा हो जाता है कि एरिका को टैंडी की आईब्रो से क्या परेशानी है। तब टैंडी पैड को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। ये सभी मिलकर लुइस के पास जाते हैं। लुइस झूठी हंसी दिखाकर सभी को बताता है कि पैड एक मजेदार आदमी है। तभी लोग लुइस पर दबाव डालते हैं कि वो पैड के बारे में सच बताए। तब लुइस बताता है कि पैड एक पागल नहीं है, वह हत्यारा भी है। तब कैरोल इस बात से परेशान हो जाती है कि अभी अभी टैंडी उसके साथ गया है। दूसरी तरफ हम टैंडी और पैड को देखते हैं, जो एक बड़े से हथियार के साथ निशाना लगा रहे हैं। वे इस हथियार से मिसाइलों को छोड़ रहे हैं और एक जगह आग लगा रहे हैं। तब टैंडी अपने भाई के बारे में बातें करता है। अब पैड भी अपनी कहानी बताता है कि उसे एक बहुत अच्छा दोस्त मिला था, लेकिन किसी बात पर उन दोनों की बहस हो गई। तब वो दोनों अलग हो गए और उसका नाम माइक था। टैंडी भी बताता है कि उसके भाई का नाम भी माइक ही था। लेकिन जब रात को टैंडी घर आता है, तब सभी लोग पैड के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि पैड एक अजीब और खतरनाक आदमी है। लेकिन टैंडी बोलता है कि हाँ, पैड अजीब हो सकता है, लेकिन वह हमारे साथ जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर पैड आता है और सभी को थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसे पहली बार ऐसा लगा कि जैसे वह अपने घर में है। इसके बाद वह गैल को एक जींस देता है, जो उसने खुद डिजाइन की है। कैरोल टैंडी को बोलती है कि पैड ने किसी को मारा है। इस पर टैंडी मेलिसा पर भी आरोप लगाता है कि मेलिसा ने भी आदमी को मारा है, और सभी पर आरोप लगाता है कि हम में से हर किसी ने किसी ना किसी को तो मारा ही है। उधर पैड भी माइक की तस्वीर को ढूंढ लेता है और उस तस्वीर के कांच को तोड़ देता है और इन सभी पर गन तान देता है। और टैंडी को बताता है कि उसका दोस्त माइक वही है जो तुम्हारा भाई है, और इन सभी से पूछता है कि माइक कहाँ है और उसे कहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है, और न बताने पर उन सभी को मारने की धमकी देता है। लेकिन हथियार से गोली नहीं चलती। इस चीज को देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये बस गाड़ी से निकलने ही वाले होते हैं कि सामने पैड वापस आ जाता है। पैड इन सभी पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन टोड गाड़ी से पैड को उड़ा देता है, और टोड इस बात से दुखी होता है कि उसने पैड को मार डाला है। गाड़ी रुकने के बाद ये सभी लोग एक घर में आते हैं और इन सभी को पता चलता है कि यह घर रानी का है। लुइस सभी को बोलता है कि अगर पैड मर चुका है तो डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर वह जिंदा है तो उन्हें यहाँ से भागना होगा। इस पर टैंडी बोलता है कि वह खुद जाकर चेक करेगा कि पैड मरा हुआ है या नहीं। टैंडी फिर से पैड को देखने के लिए जाता है और झाड़ियों में छुपकर आवाज लगाता है। टैंडी अपने सभी सैनिक दोस्तों के साथ जाता है। टैंडी पैड को नीचे पड़ा हुआ पाता है। पूरी तरह से जांच करने के बाद टैंडी बताता है कि वे अच्छे दोस्त बन चुके थे। तब टैंडी से दफनाने के लिए एक कचरे के ढेर में ले जाता है और वहीं गिरा देता है। टोड इस बात से परेशान हो जाता है कि उसने किसी की जान ली है, रोने लगता है। उसके पास टैंडी आता है, उसे शांत करता है। टैंडी टोड को चुप करने के लिए झूठ बोलता है और बोलता है कि पैड अभी भी जिंदा है। इस पर टोड पैड से माफी मांगना चाहता है। अगले सीन में टैंडी टोड को लेकर जाता है। घर के अंदर खून से लिखे संदेशों को पढ़कर ये दोनों हैरान हो जाते हैं। टैंडी पैंट को देखकर बताता है कि यह पैंट अभी तक सूखा क्यों नहीं है। टोड भी टैंडी को एक जींस दिखाता है, जिसके ऊपर टोड लिखा होता है। बाद में ये दोनों वापस घर आ जाते हैं। टैंडी सभी को बताता है कि पैड जिंदा नहीं रहा, लेकिन उसका खून हर जगह पड़ा है। इन सभी को लगता है कि पैड मर चुका है, इसलिए सभी उसी घर में जाने लगते हैं।
लेकिन तभी टोड इन सभी को अपने और टैंडी के सीक्रेट को बता देता है और बताता है कि पैड अभी जिंदा है। टैंडी टोड को छोड़कर सभी को बताता है कि पैड मर चुका है, लेकिन टोड को बोलता है कि पैड अभी जिंदा है, लेकिन टोड समझ जाता है कि टैंडी उससे झूठ बोल रहा है। टैंडी टोड को परेशान नहीं देख सकता और सभी को बताता है कि पैड अभी जिंदा है, इसलिए सभी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। डर के मारे कैरोल भी कहीं पर छुप जाती है। टैंडी कैरोल को बताता है कि उसे छुपना नहीं चाहिए क्योंकि पैड सच में मर चुका है, बस टोड को खुश करने के लिए उसने सभी से झूठ बोला है। लेकिन कैरोल इस पर बोलती है कि तुमने पैड को जिंदा किया तो तुम पैड को मार सकते हो। अगले दिन टैंडी पैड के पुतले के साथ फाइट करता है और कैरोल सभी को एक कमेंट्री की तरह बताती है। आखिर में टैंडी इस पुतले की गर्दन को अलग कर देता है और सभी को दिखाता है कि उसने पैड को मार दिया है, लेकिन सभी को पता चलता है कि यह सिर्फ नाटक है। इस पर लुईस टैंडी से गुस्सा होता है। उधर टोड भी रोने लगता है। सभी लोग टोड को चुप कराने के लिए जाते हैं। वापिस सभी लोग घर के अंदर आते हैं। कैरोल देखती है कि समुद्र के किनारे पर जहाज नहीं है। तब टैंडी भी पैड को कचरे के ढेर में ढूंढता है, लेकिन वह उसे वहां नहीं मिलता। लेकिन तभी कैरोल को खून के निशान दिखाई देते हैं जो समुद्र की तरफ जाते हैं, और ये सभी इस बात से परेशान हैं कि पैड कहीं से भी आ सकता है और पैड से इन सभी को अपनी जान का खतरा है। लेकिन टैंडी इन सभी को समझाता है कि वो यहां से चला गया है क्योंकि धरती पर वह वायरस से डरता है। तब सभी लोग वापस घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर टैंडी भी एक अलार्म सिस्टम लगाता है, लेकिन तभी वहीं पर कैरोल आती है। अलार्म एक्टिवेट हो जाते हैं और बजने लगते हैं। कैरोल इस बात पर बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ मेलिसा शूटिंग की ट्रेनिंग के लिए बाहर लुईस के साथ होती है। रात को डिनर के टाइम पर टैंडी इन सभी को एक गैजेट दिखाता है और सभी को दिखाता है कि यह गैजेट कैसे काम करता है। इसके लिए वह लुईस की मदद लेता है और लुईस तब टैंडी पर हमला करने का नाटक करता है। टैंडी इस गैजेट की मदद से लुईस को एक तेज बिजली का झटका देता है। टैंडी यह सब करने के लिए लुईस से माफी मांगता है। रात को कैरोल टैंडी के लिए एक ऐसा सूट बनाती है जिसकी मदद से अगर टैंडी जमीन पर भी सो जाता है तो भी किसी को दिखाई नहीं देगा। लेकिन तभी इन दोनों को आवाज सुनाई देती है। जब ये बाहर जाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि अलार्म एक्टिवेट हो चुके हैं, लेकिन उसी वक्त ही एरिका को देखकर हैरान हो जाते हैं। अगली सुबह टैंडी और लुईस किनारे पर होते हैं। टैंडी लुईस की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूर से इन दोनों को ये सभी लोग देख रहे हैं। मेलिसा इन दोनों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही ये अपना गेम शुरू करते हैं लुईस के पास तभी एक बड़ा धमाका होता है। तभी सभी लोग इकट्ठा होते हैं। मेलिसा सभी को बताती है कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए किनारे पर माइंस बिछाई हुई हैं। लुईस इस बात से परेशान हो जाता है कि घर के अंदर अलार्म और बाहर बॉम्ब रखे हुए हैं, उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन टैंडी लुईस को समझाता है कि उसे आए हुए तो केवल 5 ही दिन हुए हैं और हम यहाँ पर काफी महीनों से रह रहे हैं, और यहाँ रहते हुए किसी को प्यार हुआ है तो किसी ने अपना सब कुछ गवा दिया है। यह कहकर टैंडी वहाँ से चला जाता है। रात को ये सभी सो रहे होते हैं। उधर टोड और गैल भी सो रहे हैं। अचानक ये दोनों किसी आवाज को सुनकर उठ जाते हैं। सभी लोग डर के मारे बाहर इकट्ठा होते हैं। लुईस सभी को बताता है कि मेलिसा बाहर शूटिंग कर रही है और जिसकी वजह से सभी माइंड फट चुके हैं। टैंडी सभी को समझाता है कि कोई खतरा नहीं है, सब कुछ ठीक है। लेकिन तभी मेलिसा गन फायर करती है और इससे खिड़कियां और दरवाजे टूट जाते हैं। ये सभी लोग डर जाते हैं। लुईस भी बोलता है कि वह कल सुबह यहाँ से चला जाएगा। सब लोग लुईस की बात से सहमत होते हैं, लेकिन टैंडी बोलता है कि वे इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि इस घर के साथ यादें जुड़ी हैं। लुईस टैंडी को समझाता है कि यादें तो दूसरे घर में रहकर फिर से बनाई जा सकती हैं। अगली सुबह टैंडी अपनी सभी अलार्म को गुड बाय बोल रहा है। दूसरी तरफ कैरोल भी पेंटिंग को देखकर यहाँ बिताए गए पलों को याद करती है। गैल भी अपने साथ गॉर्डन के पुतले को लेती है। इसके बाद ये सभी लोग अपने दोस्तों को आखिरी बार देखते हैं और सभी लोग यहाँ से मालिपो को छोड़कर जा रहे हैं। और इसी के साथ हमारे यह एपिसोड यहीं पर पूरे हो जाते हैं। बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।